वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, तो सबसे पहले हम ट्रेस करने का तरीका देखते हैं। इसको मैंने किया है कार्बन से ट्रेस। सबसे पहले रखा था कार्बन, उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर और ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद थिन वाइट कोट लगाएं, वो है वाइट पेंट और मीडियम मिला के 50-50 रेशियो में। उसके बाद उसको हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट ड्राई। कंप्लीट ड्राई करने के बाद अब मैंने की है पेंटिंग स्टार्ट। और सबसे पहले बनाएंगे ग्रीन लीव, जैसे कि मैं हमेशा पहले लीव बनाती हूँ, फ्लावर भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम इसमें बना रहे हैं लीव। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप की लीव डाली है जो कि देखने में बहुत ही यूनिक है। ज़्यादातर ऐसी डिज़ाइन कम ही बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही यूनिक है, और अगर आप बनाएंगे तो आपका लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये कैसे पेंट होगा, साथ में मैं आपको डिटेल बताती रहूँगी। इसमें मैंने डिफरेंट ग्रीन कलर यूज़ किया है, जिसकी वजह से इसका शेड बहुत ही प्यारा दिख रहा है। सबसे पहले हम लगाएंगे डार्क ग्रीन कलर, उसके बाद लगा रहे हैं येलो, मस्टर्ड येलो, ताकि जो शेड है वो ग्रीन और येलो का भी अच्छा आता है, ग्रीन और वाइट का भी अच्छा आता है। तो इसमें मैंने अलग अलग लीव में अलग अलग शेड लगाया है। और अगर आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो देखें, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से वाले में कौन सा शेड लगा है। और जब आप बनाएंगे तो आप वीडियो देखते हुए बनाएंगे, ताकि आपका एग्जैक्ट सेम बने। जो हमारी बड़ी लीव है उसमें मैं लगा रही हूँ डार्क ग्रीन, येलो और ऊपर हल्का सा लाइट ग्रीन, क्योंकि ये बड़ी लीव है तो हम इसमें येलो कलर दिखा सकते हैं। जो छोटी लीव है उसमें मैं ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं यूज़ करूँगी, तो जब मैं उसको पेंट करूँगी तो मैं उसका स्टेप आपको बताऊँगी। और इसको हम आराम आराम से लगाएंगे, बिल्कुल भी कोई जल्दी नहीं है, फिनिशिंग के साथ स्मूथ कर करके। अभी मौसम थोड़ा सा गर्म है, समर में ऐसा हो जाता है कि रफ़ होने लगता है, तो आपका जब रफ़ होने लगे आपको ब्रश को वॉश कर लेना है, ब्रश को पानी में धुल लीजिए, और उसके बाद आपके पास एक हमेशा क्लॉथ होना चाहिए जिसमें आप ब्रश को साफ़ कर सके, उसमें आपको अपने कलर ब्रश को साफ़ कर लेना है। पानी एक्सेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पानी ना लगा हो, बस ब्रश भीग जाए, उसके बाद आप वापस से शेड करेंगे तो आपका शेड सही बनने लगेगा। इसी तरीके से हम थर्ड लीव को भी पेंट करेंगे। अब आपके दिमाग में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाइट बेस क्या है, क्या हमें ज़रूरी है लगाना, नहीं ज़रूरी है लगाना, तो ये एकदम कंपलसरी तो नहीं होता। इस टॉपिक में मैंने एक वीडियो बना दी है, लगाएं या ना लगाएं, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में या नीचे वीडियो में, आई बटन पे भी मैं दे दूँगी, आप वहाँ से देख लें तो आपको कंप्लीट डिटेल समझ आ जाएगी। उस वीडियो में मैंने आपको पूरा इसी टॉपिक पे बता दिया है कि क्या है थिन बेस, कैसे बनाना है, लगाना ज़रूरी है या नहीं लगाना है। ठीक है, अब हमारी ये लीव हो गई। जो अब हम जो छोटी लीव आपको दिख रही है उसके ऊपर, जो सिंपली किसी भी डिज़ाइन में हम बनाते हैं उसको हमने दिखाई है छोटी लीव, तो उसमें हम डार्क कलर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जो छोटी लीव होती है वो न्यू लीव होती है, तो न्यू लीव तो हमेशा लाइट कलर की होती है ना, आपने देखा होगा, एकदम डार्क कलर की तो नहीं निकलती है वो, इसलिए हम इसमें बस ग्रीन और वाइट कलर लगा रहे हैं, ताकि ये थोड़ा रियल भी लगे, एकदम ही आर्टिफिशियल नहीं कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम आराम आराम से सारी लीव पेंट कर लेंगे। अब हमने इसमें डार्क ग्रीन लगाया और ऊपर से हम लगाएंगे वाइट, और दोनों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, और हमारी लीव तैयार है। ये शेड मैंने आपको बिगनर्स क्लास में भी सिखाया था, और आपको डिज़ाइन भी बनाई थी जो कि बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस की और आपने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। उसमें आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मैं उसमें आपके लिए आगे एक दो वीडियो बना दूंगी, जो आपकी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। वैसे तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं और ज़्यादातर लोगों की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बन रही है। एक दो लोग हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही और वीडियोज़ डाल दूँगी ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप लोगों को शेड में प्रॉब्लम आती है कि कौन से फ्लावर में कैसे शेडिंग करनी है, ये कैसे पता चलेगा, तो अगर आप लोग शेड सीखना चाहते हैं डिफरेंट टाइप का, तो आप लोग कमेंट में लिखें कि अगर आप चाहेंगे, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि आपको सीखना है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर का डिफरेंट डिफरेंट शेड ईजी तरीके से, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँगी, उसमें मैं क्या डिफरेंट डिफरेंट शेड आपको बता दूँगी अलग अलग से, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
लेकिन जब तक मैंने नहीं डाली तब तक आप करिए कि बिगनर्स प्लेलिस्ट देखिए, उसमें मैंने शेड बताए हैं डिफरेंट, आपको उसको प्रैक्टिस करना है और इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आपको एकदम अच्छे से आ जाए। जब आपको वो एक शेड बहुत अच्छे से आ जाएगा तो आप कोई भी डिज़ाइन पेंट करेंगे आपकी सारी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। लीफ के बाद हम फ्लावर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये छोटा वाला फ्लावर कर रही हूँ और इसको करने के लिए कलर हम बहुत सिंपल ही कलर यूज़ कर रहे हैं, वायलेट ब्लू कलर है और वाइट कलर है। इसमें क्या है कि जो ब्लू कलर होता है, डार्क ब्लू जो होता है स्पेशली, उसको आपको ना बहुत ही केयर से हैंडल करना होता है। कुछ ब्लू कलर बहुत ही डार्क होते हैं तो वो, क्योंकि वो कुछ ब्लैक टाइप के ही होते हैं ना डार्क कलर, तो ब्लैक और ऐसा डार्क ब्लू ये सब कलर ना बहुत ही कम लगाइए, क्योंकि ये कलर जब आप ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर आप कितना भी वाइट लगाएं ये बहुत डार्क हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग हल्का हल्का कलर लेंगे, पहले वाइट लगा रहे हैं पिटल में और फिर नीचे से लगाएंगे वायलेट ब्लू कलर और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, वन बाय वन पिटल कर लेंगे। ये सारे फ्लावर जो डिफरेंट हैं, ये मैंने पेंजी स्टाइल पे ये फ्लावर को डिज़ाइन किया है, ये एक यूनिक स्टाइल का फ्लावर डिज़ाइन है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल पेंजी सीखना है, जैसे पेंजी एकदम रियल में होती है, तो उसके लिए मैंने दो वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, उसमें मैंने बिल्कुल ही रियल पेंजी आपको बताया है, वो पर्पल और पिंक कलर की है, उसमें एक एक शेड एक एक पिटल का बिल्कुल रियलिस्टिक लुक है, तो आप वो देख के रियल पेंजी बनाना भी सीख सकते हैं। ये अब ये फ्लावर हम लोग गौर से देखेंगे, इसके शेड्स जो हैं सिमिलर ही हैं, बस मैंने क्या किया, एक जो लीव है जो कि थोड़ा अंदर की साइड है और पतली भी है, तो उसको मैंने थोड़ा डार्क ज़्यादा रखा है, और बाकी सारी लीव को मैंने वाइट ज़्यादा रखा है और ब्लू कम रखा है। उसके बाद जो हम बीच वाला पार्ट जब करेंगे उसमें डार्क कलर को ज़्यादा लगाएंगे, पहले हम वाइट कलर से इसका हल्का हल्का आउटलाइन दे देंगे, उससे आ जाएगी थोड़ी फिनिशिंग। फिनिशिंग आने के बाद जब हमारा, अभी आपको लग रहा है कि हाँ फ्लावर हो गया लेकिन उतना डिफाइन नहीं था, जब मैंने बीच में डार्क ब्लू कलर से बना दिया अब वो हो गया डिफाइन। अब हम लेंगे 0 नंबर का ब्रश और डार्क ब्लू कलर से कर देंगे इसको आउटलाइन। आउटलाइन करने के बाद अब ये देखिए इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ गई है, क्योंकि ये एकदम डिफाइन हो गया। ये हो गया हमारा फ्लावर बन के रेडी। अब हम करेंगे दूसरा वाला फ्लावर, मतलब अपना पर्पल फ्लावर को पेंट। उसमें मैंने यूज़ किया लाइट पर्पल, वाइट और डार्क पर्पल। अगर आपके पास लाइट पर्पल नहीं है तो आप अलग बॉटल में पर्पल कलर निकाल के उसमें मिक्स कर लीजिए वाइट, इसी तरीके का हो जाएगा। जब तक आ जाए टेक्सचर बस उतना आप बना के आराम से कर सकते हैं। और अगर आपको कलर मिक्सिंग नहीं आती है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कलर मिक्सिंग करने की, दो वीडियो बनाई है, उसमें मैंने पर्पल कलर बनाना बताया है आपको कि अगर आपके पास पर्पल कलर नहीं है और आप बनाना चाहते हैं घर पे तो कौन कौन सा कलर मिक्स करके बनाएंगे, तो वो भी वीडियो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आप वहाँ से बना सकते हैं। उसमें ग्रीन कलर भी बताया है मैंने, रेड, वो डिफरेंट कलर मैंने उसमें बताया है, तो आपको आसानी हो जाएगी। आइए हम शेड पे ध्यान देते हैं कि किस तरीके से शेड करना है। देखिए इसमें मैंने क्या किया, पहले जो मैंने नीचे की पटल की थी उसमें मैंने लाइट पर्पल पहले लगाया था और डार्क पर्पल ऊपर से लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें जो डार्क का शेड है वो बीच से निकालना है सारा, तो इस तरीके से हम करेंगे ताकि हमारा स्मूद आए। स्मूद आने के लिए आपको क्या करना है, ब्रश में आपके राइट क्वांटिटी में कलर होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने लिया वाइट कलर, लेकिन ये देख रहे हैं हल्का हल्का पर्पल का भी जो शेड आ रहा है, कैसे, क्योंकि मैंने ब्रश को वॉश नहीं किया है, ठीक है, बार बार वॉश नहीं करना है वरना आपका सारा कलर धुल जाएगा। अब मैंने लगाया था उसमें डार्क कलर, उसके बाद ये वाली पिटल को किया था ब्लेंड, उसको ब्लेंड मिक्स विक्स करने के बाद वाइट कलर लिए, ऊपर से ही लेना है, ज़्यादा ये नहीं डालना कि आपका वाइट कलर जो है पर्पल हो जाए, आराम से निकालना है ताकि उसमें भी लगे नहीं। और उसके बाद मैंने इसमें मिक्स किया और अब मैं नीचे से ऊपर की तरफ उसको शेड दे रही हूँ। अब आप देख रहे हैं कितना स्मूद शेड आ रहा है, इस तरीके से आपको भी करना है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ हल्का हल्का शेड देंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी तो हमारा शेड जो है वो बहुत ही प्यारा दिखेगा।
अब जो मैं इस पेटल में शेड कर रही हूँ, याद करिए वो मैंने आपको बिगनर्स क्लास 1 में बताया था, डार्क और लाइट वाला वैसे ही कर रहे हैं। एक तरफ डार्क लगाएं, एक तरफ वाइट कलर मतलब लाइट शेड, और दोनों को ब्लेंड करेंगे। आप अगर बिगनर सीरीज से सीखते हैं और फिर उसको ध्यान में रखते हुए पेंटिंग सीखते हैं तो आपके लिए पेंटिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और अगर देखा है तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेंटिंग आती प्रैक्टिस करने से है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी पेंटिंग हो जाएगी। शेड करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि ब्रश पे हल्का सा प्रेशर रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा प्रेशर कि एकदम ही वो जो ब्रश का हेयर है वो एकदम बेंड हो जाए, नहीं वैसा भी नहीं होगा, और ना ही एकदम ही लाइट प्रेशर कि आपका जो शेड है वो टूट टूट गया है। हल्का से प्रेशर के साथ हम अपने ब्रश को मूवमेंट देंगे, जिस भी शेप में हमारी पिटल है उसी शेप में मूवमेंट देंगे और हमारा शेड आएगा एकदम ही बेस्ट। तो ये हमारी पिटल हो चुकी है, अब हम इसका बीच का जो पार्ट है वो सारी पिटल को पेंट करेंगे, फिर देखेंगे इसका क्या लुक आ रहा है। देखिए बीच का डार्क पार्ट करते ही ये फ्लावर कितना ही मतलब पूरा डिफिनेट होके दिखने लगा कि अच्छा है, इस तरीके का फ्लावर है। अब ये कितना प्यारा लग रहा है। अब क्या करेंगे, हमने जो पहले से आउटलाइन बॉर्डर छोड़ी थी वाइट, वो अभी हल्का सा मैस्ड अप हो गया, तो उसको सही करने के लिए 0 नंबर का ब्रश लेंगे और उससे हम बना देंगे थोड़ी सी वाइट आउटलाइन, जिससे वो एकदम फिनिश, उसका लुक जो है एकदम फिनिश दिखेगा। उसके बाद हम और भी पिटल में जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि अभी ज़रूरत है यहाँ पे थोड़ा वाइट करना चाहिए, ये सारी फिनिशिंग करेंगे, क्योंकि अभी ये हमारा कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है, ये अभी प्रोसेस में है। उसको हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ करना है क्या करना है। अगर कहीं पे आपका ज़्यादा आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा वाइट दिख रहा है तो वहाँ आप हल्का सा पर्पल लेके भी इसको ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम जो हाफ हमारी बची हुई थी पिटल उसको भी पेंट करेंगे। अब ये इतना पेंट हो गया, इसके बाद हम बीच वाला फ्लावर पेंट करेंगे और बाद में मैं पराग डालूँगी जैसे कि मैं हमेशा डालती हूँ। तो उससे क्या होता है कि खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन पहले हम कर लेते हैं ये वाला फ्लावर भी पेंट, ताकि हम एक साथ जब कलर ओपन करेंगे येलो तो एक साथ बनाएंगे, ठीक है। इसकी पिटल बड़ी है, इसमें आपको समझने में भी आसानी होगी। ये भी मैं वैसे ही कर रही हूँ जैसे कि मैंने किया था अभी पर्पल वाला फ्लावर। एक हमने लगाया था वायलेट ब्लू, दूसरा है हमारा पर्पल और तीसरा है हमारा रेड कलर का, मैजेंटा रेड आप ले सकते हैं, पिंक कलर और वाइट। और अगर आपके पास पिंक नहीं है तो आप रेड और वाइट को ब्लेंड करके भी आराम से पिंक का शेड यूज़ कर सकते हैं। इसका शेड बहुत ही अच्छे से विजिबल है, तो आप ध्यान से देखें ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वीडियो को चला के देखते हुए प्रैक्टिस करेंगे, उससे क्या होता है कि आपका बहुत ही परफेक्ट बनता है। और आप जो मेरे चैनल से पेंटिंग सीखते हैं और मेरी डिज़ाइन पेंट करते हैं तो वो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। आपका वर्क एज अ सब्सक्राइबर वर्क मैं कम्युनिटी स्टोरी पे शेयर करती हूँ, और अगर आपकी कोई मेजर मिस्टेक होती है या जो बार बार आप मिस्टेक कर रहे होते हैं मैं वहाँ पर आपका करेक्शन भी कर देती हूँ। तो ज़रूर शेयर करें, मुझे देख के खुशी भी होती है कि आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आसानी से पेंटिंग सीख सकें। और ये डिज़ाइन मैं पिलो कवर पे पेंट कर रही हूँ, इसकी कोई बेडशीट नहीं है, तो प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि बेडशीट दिखाइए। एक्चुअली जो पिलो कवर होता है वो मैं आसानी से आपको बना के दिखा देती हूँ, फिर आप लोग बोलते हैं बेडशीट का, उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है तो मैं बना नहीं पाती हूँ, उतना टाइम नहीं होता मेरे पास। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन दिखा दूँ, शेड्स सिखा दूँ, फिर आपको जिस चीज़ पे आपकी मर्ज़ी हो उस पे आप बना सकें। जैसे कि ज़्यादातर जो मेरी डिज़ाइन होती है वो मल्टीपर्पज़ होती हैं, आप चाहें तो उसको अपने स्टॉल पे, दुपट्टे पे, सूट पे, साड़ी पे, बेडशीट पे, मेज़पोश पे, जहाँ आपको बनाना हो आप बना सकते हैं।
सकते हैं। कुछ डिज़ाइन तो ऐसी भी हैं जैसे मैंने हार्ट शेप वगैरह की डिज़ाइन जो बताई है वो अपने वॉल डेकोरेशन वगैरह पे भी बना सकते हैं। आप कुछ डिज़ाइन ग्रीटिंग कार्ड पे बना सकते हैं। बच्चों का जो ड्राइंग का होमवर्क होता है उसमें आप फ्लावर उनको कैसे शेड करना नहीं आ रहा है तो आप उनको वीडियो दिखा के सिखा सकते हैं। तो इसलिए मैं बेडशीट मैंने एक दो बनाई है, तीन चार है शायद, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसका कंप्लीट लुक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ये सारी वीडियो भी ज़रूर देखें।